हेलो दोस्तों, हम फिर से लौट चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको कैची धाम से रिलेटेड जानकारी देंगे, जैसे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपका पूरा खर्चा कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो है इस समय अभी गाजियाबाद से निकल चुके हैं। हम चार दोस्त जो है अभी कैची धाम, फिर उसके बाद नैनीताल घूमने के लिए जाएंगे। बाकी देखते हैं, अभी लगभग जो है 9:30 बज चुके हैं। सुबह तक कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक हम पहुँच जाए, फिर आपसे बड़े मिलते हैं। दिल्ली से नैनीताल बस का किराया आपको 700 से 1000 रुपए तक पड़ेगा। इस समय अभी जो है लगभग सुबह के 3 बज चुके हैं और यहाँ से जो है लगभग नैनीताल जो है 30 किलोमीटर और है। कैची धाम जो है वो 35 किलोमीटर से नहीं, 35 किलोमीटर जो है कैची धाम है। फिर सुबह जो है लगभग 6:30 बजे जो है टाइम, जैसे हमने देखा कि खुलने का टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे 6:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। कपाट बाकी जो है आगे देखते हैं क्या होता है। हमें कहाँ जाना है? नीचे पार्किंग में लगे। इस बार लगभग 5 बज चुके हैं और अभी हम जो है कैची धाम में है। अभी जो है सुबह 6:30 बजे करीब जो है यहाँ पर खुलेगा, तब हम जो है यहाँ पर दर्शन करेंगे। बाकी आपसे जो है दोबारा मिलते हैं। रूम से फ्रेश होने के बाद हम सबसे पहले नीम करोली बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। फिर कैची धाम में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन भीमताल की ओर। अब बात करते हैं रूम प्राइस की। कैची धाम में आपको रूम का प्राइस 2 से 4 हज़ार के बीच पड़ेगा, पर अगर आप नीम करोली से 10 किलोमीटर दूर गर्म पानी करके एक जगह पड़ती है वहां रुकेंगे तो आपको रूम का प्राइस 4 से 1500 रुपये के बीच मिल जाएगा। भीमताल में हमने सबसे पहले कुछ खाया पिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ी बोटिंग करी। आइए आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। फिर अपना यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम यहाँ से सीधा निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गर्जिया माता मंदिर रामनगर। फिर यूं ही सफर करते हुए लगभग शाम के 6 बजे हम गर्जिया माता मंदिर पहुंचे। अभी जो है लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम जो है गिरजा देवी मंदिर में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है गिरजा देवी मंदिर है। फिर हमने यहाँ माता रानी के दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद हम यहाँ थोड़ी देर घूमे।
अब बात करते हैं पूरे खर्चे की। सबसे पहले बात करते हैं यातायात के खर्चे की। तो आपका टोटल ट्रैवल एक्सपेंस 2000 रुपये पड़ेगा, जिसमें आपका बोथ साइड इंक्लूडेड है। रूम का प्राइस आपको 1000 रुपये तक पड़ेगा। और बात करते हैं खाने की, तो टोटल खाने का प्राइस आपको 500 रुपये पड़ेगा, मतलब पर पर्सन का टोटल खर्चा 3500 से 4000 के बीच पड़ेगा। इसी के साथ हमारे ये यात्रा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।